तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं यार कि इस समय फेस्टिव सीजन सेल के अंदर काफी सारे अलग अलग ऑफर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों, हम आपके लेके आए यहाँ पर एक अलग टाइप का ऑफर, जहाँ पर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस, तगड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है, और तो और भाई यहाँ पर आपको तगड़ा डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन होगा यहाँ पर Redmi का K50i, जहाँ पर आपको काफ़ी कड़क डील देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाले, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, और ये स्मार्टफोन कैसे आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये की प्राइस पर मिलने वाला है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और भाई घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। भाई, ये जो फोन है ये आपको मिलने वाला है पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ फोन है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको मिलेगा, और फ्रंट में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, साथ में आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग मिलती है। हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का जो प्रोटेक्शन वाला फीचर है वो भी आपको फोन के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई, बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर शिकायत नहीं देगी। डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर फोन का काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट में स्क्वायर शेप के साथ में 3 कैमरा की हाउसिंग मिलती है, साथ ही में LED फ्लैश, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर Redmi की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो बैक लुक से तो फोन काफ़ी अच्छा है। फ्रंट की बात करें तो भाई, फ्रंट में आपको यहाँ पर सेंट्रली अलाइन पंचोल कटआउट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी छोटा सा दिया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात दोस्तों यहाँ पर चिन और बिजल्स की, तो वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी पतले पतले देखने को मिल जाएंगे। तो भाई, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन के काफ़ी अच्छे हैं, दोनों से ही आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन आता है 8.9 mm की थिकनेस के साथ में। हालांकि दोस्तों, फोन का वेट लगभग 200 ग्राम का है, तो थोड़ा सा आपको हैवी जरूर लगेगा, बट आपको यहाँ पर इन हैंड फीलिंग में कोई भी खास शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और भाई, इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो भाई, फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल। हालांकि दोस्तों, IPS पैनल दी गई है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है, जहां पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 407 PPI का आपको यहां पर सपोर्ट दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। HDR10 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, वाइट वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको दिया गया है। तो भाई, कॉन्टेंट वॉचिंग में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। रही बात दोस्तों आउटडोर की, तो भाई 500 नीट्स की आपको यहाँ पर टिपिकल और 650 नीट्स की आपको यहाँ पर हाई ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जिसका मतलब सो इनडोर हो या फिर आउटडोर, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। भाई, डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गेमिंग की बात करें तो 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिलती है, और भाई यहाँ पर आपको 270 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों सभी मामले में काफ़ी अच्छी, चाहे आप यहाँ पर कंटेंट वॉच करें, चाहे गेमिंग करें, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं देखने को मिलने वाली। रही बात दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलती है, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 MP का, और यहाँ पर दोस्तों आपको f1.9 का अपर्चर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और 2 MP का आपको यहाँ पर मैक्रो सेंसर मिलता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 MP का सेल्फी स्नैपर। तो भाई, फोन का जो कैमरा सेटअप है ये तो आपको अच्छा मिलता ही है, साथ ही साथ डे लाइट में आपको फोटोज भी काफी अच्छी मिलती है, काफी शार्प और काफी डिटेल मिलेगी, तो वहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। लेकिन नाइट से आप यहाँ पर उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि नाइट में आपको यहाँ पर एवरेज फोटोज ही देखने को मिलेंगी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, सो दोस्तों यहाँ पर आपको मैक्सिमम अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है अप टू 30 FPS, जो कि आप बैक कैमरा से कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। सो ओवरऑल भाई, कैमरा भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 8100 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, काफी तगड़ा और पावरफुल चिपसेट है, 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर आता है। साथ ही साथ आपको फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, इससे भाई ये फोन काफी कम हीट होता है और आपको तगड़ी परफॉर्मेंस भी देता है, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भाई, ये जो चिपसेट है ये बना हुआ है ARM V8 के आर्किटेक्चर पर, जहाँ पर आपको मिलते हैं टोटल 8 कोर, जिसमें से पहले 4 कोर आपको मिलेंगे 2.85 GHz पर कोर्टेक्स A78 के। जी हाँ दोस्तों, काफी तगड़े कोर है। साथ ही में 4 कोर आपको मिल जाएंगे 2.0 GHz पर कोर्टेक्स A55 के, जो कि आपको मीडियम टास्क और पावर एफिशिएंसी को मैनेज करते हैं। सो यहाँ पर आपको डेली परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलती है, चाहे आप यहाँ पर हैवी टास्क करें या मल्टीटास्किंग करें, आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली।
गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए आपको मिलता है आर्म वाली G610 MC6 का एक 6 कोर का तगड़ा GPU, जो कि आपको भाई यहाँ पर काफी कमाल की गेमिंग कराता है। आप यहाँ पर हाई लेवल की गेमिंग वगैरह काफी इजीली कर सकते हैं, सो यहाँ पर आपको गेमिंग वगैरह में भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो भाई स्मार्टफोन का दिमाग काफी एक्टिव भी है और काफी कम खाता भी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी के साथ में स्मार्टफोन के हाथ और पैरों की बात करें, उस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलती है 6 और 8 GB की रैम, जहां पर रैम की क्वालिटी है LPDDR5, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहां पर 128 GB और 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाएगी, और दोस्तों स्टोरेज की क्वालिटी है UFS 3.1, जो कि दोस्तों कमाल की बात है। तो यहां पर आपको ऐप लोडिंग परफॉर्मेंस तो फास्ट मिलेगी, साथ ही साथ रीड और राइट की परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर काफी कमाल की मिल जाती है। सो ओवरऑल जो यहां पर फोन की परफॉर्मेंस निकल कर आती है दोस्तों, वो काफी कमाल की है। और तो और भाई ये स्मार्टफोन ऑन द टू पर लगभग 8 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है, तो आप इतना तो समझ चुके होंगे कि परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर कमाल की देखने को मिल जाएगी। सो परफॉर्मेंस मॉड्यूल में आपको यहाँ पर फोन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। सो दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 5080 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो साइज काफी अच्छा है, 5 नैनोमीटर का चिपसेट लगा हुआ है, IPS LCD की पैनल दी गई है। हालांकि 144Hz की रिफ्रेश रेट आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप यहां पर एक मीडियम यूजर होंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर एक दिन का बैकअप तो बहुत आराम से मिलेगा। साथ ही में ये फोन 67W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और भाई यहां पर कंपनी ये क्लेम करती है कि ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर 100% तक चार्ज हो जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन 50 या 55 मिनट भी ले ले तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपको यहाँ पर काफी अच्छी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफी कमाल का दिया गया है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कुछ पहनावे की। तो भाई इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। और रही बात दोस्तों यहाँ पर 3.5mm जैक की, तो वो आपको यहाँ पर इस फोन के अंदर दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी काफी बैलेंस मिलती है, काफी अच्छी और लाउड दी गई है, तो ऑडियो से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो भी इंटरनल मेमोरी मिलेगी उसी से काम चलाना पड़ेगा, आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ 2 5G SIM ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये Redmi का स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है, जो कि दोस्तों बाकी सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन थोड़ा सा और एडवांटेज दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अब भाई बात कर लेते हैं फ़ोन की आत्मा की, जिसके बिना दोस्तों ये तो क्या हम भी काम नहीं कर सकते भाई। इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है Android 12, जहाँ पर आपको मिल जाएगा MIUI 13। देखा जाए भाई तो अभी भी थोड़ा सा मिक्स एक्सपीरियंस रहता है, थोड़े मोड़े ब्लॉट पर ऐप और ऐड अभी भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, थोड़े मोड़े बग्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन उसी के साथ में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। सो देखा जाए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले के मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, ओवरऑल आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी डिसेंट टाइप का मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 6 और 128 वाला जो वेरिएंट है वो लॉन्च किया गया लगभग 26,000 रुपये की प्राइस पर। बट दोस्तों कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन सेल स्टार्ट होने वाली है, जिस दौरान आपको यहाँ पर SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 19,999 रुपये की प्राइस पर। जिसका मतलब दोस्तों कि आपको यहाँ पर पूरे 6,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। और भाई 6,000 रुपये का डिस्काउंट बड़ी बात होती है यार, आपको यहाँ पर काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कंटेंट वॉच करना हो, चाहे वो बैटरी बैकअप या फिर अच्छे कैमराज हो, आपको यहाँ पर सारे ही फीचर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस सेल के दौरान स्मार्टफोन की तरफ ज़रूर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों बता दूं कि यार सभी के बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।